खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। अप्रैल 2019 को जिला वाराणसी में जो है कि ब्लॉक खरंगवा है, गांव शिवरामपुर रजनिया है, वहां के लोगों का कहना है कि मेरा बच्चा जो है कि शाम के टाइम लगभग 4-5 के टाइम घर से हुआ गायब। जब हमने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस जो है कि घर पे आकर आश्वासन ही दे रही है कि खूनबीन जारी है, अभी तक बच्चा नहीं मिला। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर कोई बड़ा नेता का बच्चा होता तो तुरंत ही मिल जाता, लेकिन एक हफ्ता बीत गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा है। यही थाना एसओ चोलापुर का कहना है कि क्राइम ब्रांच टीम लगा दी गई है और पूरे बनारस के पुलिस को सूचना दी गई है, खोज जारी है, जल्द से जल्द ही बच्चा को मिलने का सूचना दिया जाएगा। हमें भैया कैसे हो गया घटना कुछ बता सकते? अभी तक कुछ पता चला कि नहीं बच्चे का? कहीं रिश्तेदारी कहीं सब लोग पूछे कि नहीं? आप लोग खोज रहे हैं सब जगह, कहीं नहीं पता उसका चल रहा है। अचानक ये घटना पहली बार हुई कि पहले कभी हुई थी? पहली बार हुई, अचानक नहीं, पहली बार हुई। तो घटना के देखते हुए आप लोग को क्या लगता है भैया? क्या लगता है क्या बताएं मैडम, फिर कोई उठाया है कि क्या किया है उसको? किसी से कभी झगड़ा लड़ाई तो नहीं हुआ था? विवाह तो थोड़ा बहुत रहता है, ये परिवार में किसी में नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत तो अपना जमीन जेठा को लेकर सबके में रहता है, पारिवारिक मैटर में। हाँ। तो थाने से कुछ जवाब आया अभी तक कि नहीं? कुछ नहीं आया। आज कितने दिन बीत गए? 8 दिन बीत गए, 7 दिन। अभी तक कुछ पता नहीं चला बच्चे जी? बताइए, ऐसा ये मामला है तो इसमें प्रशासन की क्या लगती है आपको? प्रशासन की मेरे हिसाब से जितना सक्रिय होना चाहिए उतना सक्रिय प्रशासन नहीं है। क्या आपके हिसाब से लापरवाही लग रही है? लापरवाही लग रही है कि पुलिस को जो करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन यही विधायक के लड़के होते हैं, जिला पंचायत के लड़के होते हैं, तो पुलिस जो है और फास्ट काम करती है, लेकिन जितना फास्ट करना चाहिए उतना फास्ट नहीं करवा रही है पुलिस। पूरी तस्वीर की आज देखा जाए तो एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन 16 तारीख की घटना है, 16/4 की शाम लगभग 4:30 बजे की, आज तक जो है लड़का मिला नहीं, और पुलिस जो आ रही है घूम के चली जा रही है, इससे क्या मतलब है? प्रशासन माने जीरो हो रही है, बड़े बड़े अधिकारियों के बात से चल रही है, अभी कोई बड़ा अधिकारी आ जा रहा है उनके पीछे भी लग रहा, उनकी सुरक्षा के लिए। हमारा बच्चा खो रहा है, हो गया है, और भी खो सकते हैं, मगर कोई सुरक्षा नहीं, कोई उसका छानबीन नहीं, क्या व्यवस्था की हमको जवाब दे पुलिस वाले? आज 16 तारीख को गुम हुआ हमारा बच्चा, मंगलवार का, आज रविवार है, इतने बीच में क्या किए लोग? कोई प्रक्रिया की है? कुछ नहीं, हमको तो नहीं कुछ समझ में आता, सिर्फ कल आए थे हाजिरी लगा के चले गए, ड्यूटी नहीं पा रहे अपने, अभी हम गए थे, हमें क्या मतलब हुआ? फोन करके पूछते हैं क्या हुआ, ठीक है ना, हम आपके रिश्तेदार हैं, हम का हमारा समाचार लेंगे आप, मगर नहीं प्रशासन अपना काम कुछ नहीं करेगा। हम रिश्तेदार हैं, लड़के का मामा मैं हूँ, मेरा घर हरुआ है, मेरा नाम रमा शंकर है, मगर बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्रशासन हमारा साथ अच्छी तरह नहीं दे रही है, अब देना नहीं चाहती तो हम उसके काम के पीछे नहीं घूमेंगे, मगर हम चक्का जाम करेंगे, हमसे जो पढ़ने का आप घेराव करेंगे, कलेक्टर ऑफिस करेंगे घेराव, मगर हमारा बच्चा चाहिए, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, सिर्फ ऊपर से बोलने से मतलब नहीं है, मोदी जी अच्छे दिन ला रहे हैं, मगर यहाँ हमारा पुलिस प्रशासन लूज है, बार बार से पूछ रही है क्या प्रक्रिया करी, हमको बताना चाहिए ना, क्या कोई पूछताछ कुछ नहीं है, खाली आ रही है, जा रही है। आ रहे हैं, हम बहुत परेशान है, चुनाव लेकर परेशान है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम बच्चा है, ये चुनाव का प्रॉब्लम अधिकारियों का है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो हमको क्यों थोप रहे हो कि हमारा चुनाव है, परेशान हम है, आपकी ड्यूटी है हमारा रक्षा करना, हमारा समस्या का हल करना, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका अधिकार है, वो हमारा अधिकार, हमारा अधिकार बनता है कि हम हमारी सुरक्षा करें, हमारी समस्या का पालन कर ढूंढे उसको। कह रहे हैं कि जो शिवरामपुर गांव हरुआ ब्लॉक में जखीनिया के सर, वो बच्चा जो खोया था 16 तारीख को, तो मिला कि नहीं अभी तक? नहीं अभी नहीं मिला सर। कुछ पता चला बच्चे का? पता चल जाए तो मिल ही जाता, तो पता नहीं चला सर। उनके परिवार लोग क्या करना ढूंढ रहे हैं कि नहीं कुछ? सब ढूंढ रहे हैं, उनके परिवार भी ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी ढूंढ रही है, पूरी बनारस पुलिस, पूरी बनारस पुलिस ढूंढ रही है, क्राइम ब्रांच। अच्छा सर। एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।